हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेटसेट को नाइट चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज फिर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं पिछले ईयर का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिसंबर 2020 एंड जून 2021 मार्च साइकिल की। यहाँ पर ज्योग्राफी शिफ्ट ऑन की पेपर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछले दो पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं और ये रहा आपका थर्ड पार्ट। आज हम लोग नेक्स्ट 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर फोर्थ एंड फिफ्थ जो पार्ट आएगा बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम की पहले सब कुछ हो जाए, शिफ्ट टू भी हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट टू हो जाएगा, प्लस हम लोग का जो वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, geographerkona.com। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट में जाके दिखा देता हूँ। वहाँ पर बहुत सारा मैंने 3 मॉक टेस्ट अभी दे दिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और भी बहुत सारा आपका सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार आ चुके हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पर मेनू सेक्शन में अगर आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके मॉक टेस्ट एंड क्विज सेक्शन में, तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ज्योग्राफी मॉक टेस्ट में यहाँ पर हमने 3 मॉक टेस्ट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर देख दिए हैं। यहाँ पर देख पाएंगे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते 3 दे दिए हैं। ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और जून 2020 का, और इसके बाद और भी बहुत सारा आएगा। प्लस नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर यूनिट वाइज भी मिल जाएगा। ठीक है, 10 यूनिट है यूजीसी नेट के एग्जाम में ज्योग्राफी पेपर के लिए, तो 10 यूनिट का यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है ये क्वेश्चन। आप लोग जरूर विजिट करें वेबसाइट। ठीक है, इसके साथ आप लोगों का और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर मेनू सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ओल्ड पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ वेबसाइट में अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे सेशन, क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है असासन रीजन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो असासन देखिए, वैल्यू सिस्टम इज ए कॉमनली हेल्ड सेट ऑफ बिलीफ्स, अंडरस्टैंडिंग्स एंड कंट्रोल्स दैट यूनाइट मेंबर्स ऑफ ए कल्चर ग्रुप। तो ये बिल्कुल सही है, एक कल्चरल ग्रुप में, ठीक है, मेंबर्स को यूनाइट करके रखता है, जो कि है वो है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में क्या आता है, एक बिलीव आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, जो कि एक इंसान को यूनाइट करके रखता है सोसाइटी में। ठीक है, दैट यूनाइट मेंबर्स ऑफ ए कल्चरल ग्रुप। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। और रीजन देखिए, पॉलीथिज्म एडहर्स टू बिलीव इन मेनी रिलीजियस बिलीफ्स। तो दोस्तों रीजन भी सही है, यहाँ पर हम लोग को आश्वासन भी सही मिला। रीजन में क्या बोला गया है कि पॉलीथिज्म जो है एक ईश्वर से ज़्यादा यानी मेनी ईश्वर में यानी गॉड में बिलीव रखता है। ठीक है, बिलीविंग इन मेनी गॉड्स, ओके। तो यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सिस्टम बोला गया है और ये बिलीव यानी यहाँ पर कुछ और चीज़ बोला गया है रिलीजियस मैटर के बारे में। तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। और पॉलीथिज्म की जो ऑपोजिट है वो है मोनोथिज्म, दैट इज़ बिलीविंग इन वन गॉड। और दोस्तों एक और चीज़ आता है, दैट इज़ एथीइज्म, जो कि कोई भी भगवान पे ऊपर कोई विश्वास नहीं रखता। ठीक है, नॉट बिलीविंग इन एनी गॉड, ठीक है, कह सकते हैं। जनरली दे बिलीव इन साइंस एंड कॉन्क्रीट मेटेरियल्स। तो यहाँ पर पूरा सब कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। एथीइज्म जो कि बिलीव नहीं करता कोई गॉड या सुपर पावर पे, जनरली वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है बिलीव रखता है। और पॉलीथिज्म बिलीविंग इन मेनी गॉड्स, मोनोथिज्म जो है बिलीव करता है एक गॉड पे, ठीक है, एक भगवान पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन माइग्रेशन के बारे में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, पुल फैक्टर इन पॉपुलेशन माइग्रेशन रिफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एट डेस्टिनेशन प्लेसेस। तो बिल्कुल ये सही है, पुल फैक्टर वही दोस्तों चीज़ है जो कि लोग अपने जो बर्थ प्लेस है, ठीक है, ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि अपना विलेज है या ओरिजिन प्लेस ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं, ठीक है, बर्थ प्लेस भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप हैं। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पॉवर्टी है, ठीक है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है,
लैक ऑफ सर्विस है, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। और डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लोग क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारा पुल फैक्टर रहेगा। पुल फैक्टर मतलब क्या है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, सेफ्टी है लाइफ का, बहुत सारा सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर, ठीक है, ये एक पुल फैक्टर की काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो सब चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लोग रहता है, ठीक है, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन प्लेस ऑफ यहाँ पर ये पॉइंट पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और बी पॉइंट पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो लोग क्या करेगा, यहाँ से इधर की तरफ जाएगा ना, पॉइंट बी पे, यानी पुल फैक्टर जहाँ पर है वहाँ पर लोग जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट सही है, ठीक है, कि पुल फैक्टर इन पॉपुलेशन माइग्रेशन रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एट डेस्टिनेशन प्लेसेस, ये बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेप माइग्रेशन रिफर्स टू स्टेप वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एट डेस्टिनेशन प्लेस, तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग का ये स्टेटमेंट सही मिला है, लेकिन बी वाला सही नहीं मिला। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, स्टेप माइग्रेशन रिफर्स टू द स्टेप वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, बट यहाँ पर स्टेप वाइज लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्टेप वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप लोग ये करते हैं, ठीक है, माइग्रेट करते हैं, उसे स्टेप माइग्रेशन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोला गया है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शंस, पुश फैक्टर इन माइग्रेशन पॉपुलेशन माइग्रेशन रिफर्स टू लेस लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एट ओरिजिनेटिंग प्लेस, हाँ ये सही है। ठीक है, ये भी हम लोग को सही मिला, ये सी मिला है करेक्ट और ये मिला है, तो पुश फैक्टर वही है जहाँ वो चीज़ है जहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपका सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारा जो पुश फैक्टर होता है इसी की वजह से दोस्तों लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और डी वाला देखिए, माइग्रेशन फील्ड रिफर्स टू रिटर्न माइग्रेशन टू ओरिजिनेटिंग प्लेस, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को सही मिला है ए एंड सी। ए एंड सी कहाँ पर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, चार स्टेटमेंट दिया गया है, उनमें से हम लोग को इनकरेक्ट जो है दोस्तों देखना होगा। रिगार्डिंग वेव्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेव्स, तो ये वेव्स रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, वेव हाइट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वेव एनर्जी, तो दोस्तों ये इनकरेक्ट मिला है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर वेव हाइट जितना होगा, ठीक है, उसका डिपेंड करता है दोस्तों वेव एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट इंडिकेटर बोला गया है, तो लेकिन ये इंडिकेटर होता है, वेव हाइट इज़ द इंडिकेटर ऑफ वेव एनर्जी, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, वेव हाइट इज़ कंट्रोल्ड बाई विंड स्ट्रेंथ, ये सही है। द डिस्टेंस ऑफ ओपन वाटर ए वेव ट्रैवल्स ओवर इफेक्ट्स दी वेव हाइट, ये भी सही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द डेप्थ ऑफ द सी इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेव हाइट, ये भी सही है। ठीक है, हम लोग को नेक्स्ट बी सी डी जो ऑप्शन मिला है तीनों सही है, बस एक ऑप्शन जो है इनकरेक्ट मिला है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ओनली, ए ओनली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, सो दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिए वेव हाइट के बारे में। तो वेव हाइट की जो पिछले हम लोग पार्ट देखे थे इसी सेशन के, ठीक है, इसी शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के वक्त, तो हम लोग को वेव हाइट के ऊपर एक क्वेश्चन मिला था। ठीक है, वेव हाइट क्या है, तो वेव हाइट दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, देखिए ये जो डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है आपका वेव हाइट, और यहाँ पर जो वेव लेंथ दिया गया है, तो ये वेव लेंथ होता है दोस्तों, ये देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पर वेव हाइट होता है वर्टिकल डिस्टेंस, और ये देखिए वेव लेंथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट कह सकते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स। ठीक है,
तो ये आप क्रेस्ट की भी डिस्टेंस ले लीजिए या आपका यहाँ पर नीचे ये दोनों ट्राफ्स का डिस्टेंस ले लीजिए, इसे कहा जाता है वेव लेंथ। ओके, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44। यूजिंग द लोकेशनल ट्राइंगल द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन, ये कोट हो चुका है, यहाँ पर कॉस्ट होगा, कॉस्ट लोकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी यानी लोकेशनल ट्राइंगल, ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी दिए हैं अल्फ्रेड वेबर ने, ठीक है। अल्फ्रेड वेबर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग की वेबसाइट में ये आपका वेबर का थ्योरी भी हम लोग देखे थे, ठीक है। उसका भी क्वेश्चंस मैं आपका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। एक PYQs में हम लोग देखे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर भी दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ मैप्स फ्रॉम लार्जर स्केल टू स्मॉलर स्केल। तो यहाँ पर हम लोग को स्केल की साइज के अनुसार दोस्तों करेक्ट सिक्वेंस में हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लार्जर यहाँ पर बोला गया है, लार्ज स्केल से आपको स्मॉल स्केल में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, कैडेस्ट्रल मैप, देन टोपोग्राफिकल मैप, देन वॉल मैप एंड ग्लोब, दोनों ये चारों ऑप्शन दोस्तों सीक्वेंस में तो मिला है हम लोगों को, ठीक है। कैडेस्ट्रल जो है लार्ज मैप है, टोपोग्राफिकल भी आपका लार्ज स्केल मैप है, देन वॉल मैप एंड ग्लोब मैप आपका स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या होगा। तो कैडेस्ट्रल तो आ जाएगा फर्स्ट में, ए आ जाएगा, देन बी आ जाएगा एंड सी एंड डी। तो ये भी सी डी है क्या, देखिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे है, ये ए बी सी डी ओनली। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप यूज किया जाता है स्मॉल एरिया दिखाने के लिए, ठीक है। और स्मॉल एरिया मैप यूज होता है लार्ज एरियाज को दिखाने के लिए, ठीक है। लार्ज एरियाज दिखाने के लिए स्मॉल स्केल एरिया, स्मॉल स्केल मैप यूज होता है, और लार्ज स्केल मैप यूज होता है टू शो स्मॉल एरियाज, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल स्केल सॉरी लार्ज स्केल मैप्स आर ड्रॉन टू शो स्मॉल एरियाज, दैट इज फॉर एग्जाम्पल विलेज मैप, या बाउंड्री कह सकते हैं, बाउंड्री को दिखाने के लिए, विलेज दिखाने के लिए ये यूज होता है। और इसके अंदर आ जाएगा आपका कैडेस्ट्रल मैप एंड टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है। कैडेस्ट्रल मैप की आरएफ देख लीजिए 1:4000, ठीक है, आता है। एंड टोपोग्राफिकल मैप्स का जो दोस्तों अगर आप आरएफ देखेंगे तो 1:2,50,000 आता है, 1:50,000 भी हो सकता है, देन इसके बाद 25,000 भी हो सकता है, 1:25,000। तो ये आपका याद रखिएगा, टोपोग्राफिकल मैप का आपका स्केल याद रखिएगा, कैडेस्ट्रियल मैप का आप याद रखिएगा स्केल कितना हो सकता है, ठीक है। देन स्मॉल स्केल देखिए, जो कि यूज होता है लार्ज एरिया शो करने के लिए, तो इसमें कॉन्टिनेंटल मैप या कोई भी कंट्री मैप को दिखाने के लिए ये यूज होता है। तो इट इंक्लूड देखिए वॉल मैप्स एंड एटलस, एटलस मैप। तो एटलस में देखिए 10 लाख तक, 1:10 लाख तक दोस्तों आरएफ यूज होता है, और वॉल मैप में इससे थोड़ा कम, आप 8 लाख ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम होता है यूज। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप को, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस देखिए ये PYQs है, ठीक है, इसमें आया था 2021 में एग्जाम हुआ 22 में, ठीक है, उसमें आया था, उससे पहले भी आ चुका है कैडेस्ट्रल मैप और ये वॉल मैप्स वगैरह ये सब आ चुका है, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011। तो 2011 डेटा के अनुसार हम लोग को एसटी पॉपुलेशन को अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर 4 स्टेट दिया गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मेघालय, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में साजना होगा, तो आपको कम से यानी लो परसेंटेज से हम लोग को जाना होगा हाई परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर लो परसेंटेज हम लोग को पता है होगा
कि एसटी पॉपुलेशन दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। तो मेघालय सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में देखिए दो ऑप्शन में है, ए एंड थ्री में, सॉरी वन एंड थ्री में, तो दोनों के बीच में ही आंसर होगा, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों जो आएगा यहाँ पर देखिए राजस्थान है, ठीक है, मैन मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र, तो मध्य प्रदेश का भी है अराउंड 20 है, 21-22 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फिगर भी है, फैक्ट्स एंड फिगर भी है, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश का आपका उसे उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मेघालय आएगा सबसे हाईएस्ट, तो सबसे नीचे रहेगा। देन इसके बाद आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, देन इसके बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है, देन इसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का 9.4 या 5 है, ठीक है, और राजस्थान का है अराउंड 13 या 14 है, ठीक है, 13.5 है शायद, ठीक है, 13.5 है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो इसका आंसर पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का 9.4 है, राजस्थान का 13.5 है, और मध्य प्रदेश का 21.1 और मेघालय का 86.1%। और यहाँ पर पूरा मेरे पास फिगर है यहाँ पर, ठीक है। तो लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरी है, देखें 94.8% है। देन मिजोरम जो हम लोग का स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, देखिए यहाँ पर लगातार मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में देखें 94.4% आपका एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। देन नागालैंड का 86 है, मेघालय का भी 86 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 86.5 है और यहाँ पर 86.1। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा मेन मेन स्टेट, ठीक है। और अभी तो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरा लिस्ट ही याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए राजस्थान पूछ लिया गया है, देन महाराष्ट्र, हो सके कि हरियाणा भी पूछ ले, ठीक है, या उत्तर प्रदेश पूछ ले। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना होगा। वेस्ट बंगाल यहाँ पर देखिए, वेस्ट बंगाल भी याद रखिएगा, 5.8 जो है परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मलाइज द कंसेप्ट दैट देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये जो रिलेशनशिप के बारे में बात किया है दोस्तों, ये फ्रेडमैन, जॉन फ्रेडमैन की कंसेप्ट है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री की पर्सपेक्टिव में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चारों ऑप्शन में दो दो करके हैं, ठीक है, यानी दो स्टेटमेंट हम लोग को इनकरेक्ट मिलेगा। तो कौन सा है तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, थॉमस कुक अरेंज द फर्स्ट पैकेज टूर्स इन 1841 टेकिंग ट्रेवलर्स फ्रॉम लेस्टर टू लब्रा इन यूके। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, हम लोग का ये करेक्ट स्टेटमेंट मिला है। देन नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर पे क्या है, द ग्रोइंग एप्रिसिएशन फॉर वैरायटी इन कल्चरल लैंडस्केप इन लार्ज यूरोपियन सिटीज सच एज पेरिस, रोम एंड लंडन अमंग टूरिस्ट एंड अदर सिटीजन प्लेड ए रोल इन एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म। तो ये भी आप लोगों का करेक्ट स्टेटमेंट है, लगातार दो स्टेटमेंट हम लोग को सही मिला है। सी नंबर पे देखते हैं क्या है, बेसिकली द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू प्रोवाइडेड द ग्रेटेस्ट इम्पेटस टू टूरिज्म। तो ये भी सही है, तो लगातार तीन स्टेटमेंट हम लोग को सही मिला है। तो लास्ट दो ऑप्शंस हम लोग को जरूर इनकरेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो करके ग्रुप है, ठीक है, तो डी एंड ई होगा इनकरेक्ट, तो इसका आंसर 3 होगा। तो देख लेते हैं क्या है, जेट प्लेन फेल टू हेरल्ड द न्यू एरा इन इंटरनेशनल टूरिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जेट स्ट्रीम जो है वो सक्सीड किया था, ठीक है, न्यू एरा ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म में, जो कि पैसेंजर्स को दोस्तों रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह, अपने माने डेस्टिनेशन
चेंज कर करने के लिए मदद किया था, ठीक है, इसके थ्रू, जेट प्लेन के थ्रू, ठीक है। ये सक्सीड हुआ था, यानी यहाँ पर फेल लिखा है लेकिन ये सक्सीड हुआ था। देन देखते हैं ई पे, बोइंग आपका ये प्लेन का ही नाम है, 747 in 1970 डिड नॉट अट्रैक्ट मच इंटरनेशनल टूरिज्म। ये भी दोस्तों इनकरेक्ट है, यहाँ पर डिड नॉट अट्रैक्ट लिखा है, लेकिन बहुत सारा टूरिज्म टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था ये एरोप्लेन। यहाँ पर दोस्तों ट्रैवलर्स जो है नॉन स्टॉप दोस्तों ट्रैवल कर सकता था, ठीक है, ग्रेट डिस्टेंसेस के थ्रू, ठीक है, इस प्लेन के थ्रू। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डी एंड ई ओनली। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया, देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स। तो यहाँ पर जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स के बारे में करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वही हम लोग को देखना होगा। बस एक स्टेटमेंट दोस्तों हम लोग को ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप ना देखेंगे तब भी लगा सकते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बोला गया है एक ही दोस्तों हम लोग को जो ए है ऑप्शन है एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, ऑप्शन चार में है, चार में डी ओनली, तो डी होगा इसका आंसर। तो डी में क्या क्या है देख लीजिए, ऑस्कर पास्कल है, देन आपका रिक्टोफेन है, देन रेडजेल, देन हेटनर। तो हम लोग की एक वेबसाइट में एक पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, डिफरेंट स्कूल की ज्योग्राफर्स है, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट में, तो उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वो आपको डिफरेंट स्कूल का जो ज्योग्राफर है, ठीक है, वो याद रखने के लिए आपको मदद करेगा, ठीक है, कौन सा स्कॉलर किसके बाद है, सीक्वेंशियली कौन सी ईयर में है, सब कुछ दिया गया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जर्मन स्कॉलर का दिए हैं किसके बाद क्या आएगा, देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस में था आपका ऑस्कर पास्कल, देन आपका रिक्टोफेन था, देन रेडजेल, देन हेटनर, ठीक है, ये चारों दिया गया था ऑप्शंस में, ओके। अगर डिफरेंट स्कॉलर भी देते, इमानुएल कान देते, आपका हम्बोल्ट देते, कार्ल रिटर देते, तो अलग बात होता, ठीक है। तो उसके अनुसार भी आप ये जो 10 स्कॉलर है जर्मन स्कॉलर, ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और भी जैसे अरबियन स्कॉलर है, ठीक है, ग्रीक स्कॉलर है, उसका भी लिस्ट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, एक ही पोस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following is the correct sequence in the development of geographic thought? तो geographical thought में कौन सी दोस्तों school of जो ये है, ठीक है, group of school है, जैसे Greek school of thought है, ठीक है, then Roman school of thought है, तो किसके बाद कौन सा आपका ये आया, ठीक है, एज आया यानी period आया, ठीक है, वो हम लोग को arrange करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल अभी भी है, जो NTA EVCE NET की जो एग्ज़ाम में जो NTA आंसर दिया था वो आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया था, 2 यानी ये ओनली, ठीक है, ये वाला दिया था, देखिए ग्रीक रोमन अरब्स एंड डार्क एज। लेकिन हम लोग जो बुक में पढ़े थे माजिद हुसैन के, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि ग्रीक स्कॉलर आए थे, ठीक है, ग्रीक पीरियड आया था, देन आया था रोमन पीरियड, देन डार्क एज, देन अरब, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, ग्रीक पीरियड अराउंड 700 BC से 51 BC तक यहाँ पर चला, ठीक है, देन आपका रोमन पीरियड शुरू हुआ अराउंड आपका 64 BC से लेके 391 BC, देन इसके बाद दोस्तों आया डार्क एज, ठीक है, जहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, डार्क एज इसी नाम के लिए डार्क एज क्यों बोला जाता है, जहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट ग्रीक पीरियड एंड रोमन पीरियड में इतना डेवलपमेंट हुआ और डार्क एज में यहाँ पर आके पूरा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, पूरा अंधकार युग हो गया, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको डार्क एज बोला जाता है, जो कि देखिए अराउंड 500 ईयर्स हुआ था, देखिए 200 AD से लेके 700 AD तक चला, देन अरबियन जो पीरियड शुरू हुआ था 900 AD से लेके आपका 1400 AD, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जो नहीं तो अगर आप इसमें व्हाट्सअप नंबर जो देख पा रहे होंगे ऊपर में, ठीक है, उसमें भी मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर अभी भी डाउटफुल है, लेकिन एनटीए जो आंसर दिया था वो है ऑप्शन नंबर टू, ए ओनली, ठीक है, इसका आंसर दिया था ए। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में देखिए सोयल टाइप है, लिस्ट टू में है प्लेस ऑफ ऑकरेंस। तो हम लोग को देखना होगा कौन सी सोयल कौन सी जगह में मिलता है। तो फर्स्ट देखिए लैटराइट सोयल, लैटराइट सोयल हो जाएगा आपका राजमहल हिल्स की सराउंडिंग्स में, तो इसका ए पे हो गया थ्री। बी देखिए सालाइन सोयल में आ जाएगा कच्छ रीजन, ठीक है, देन ब्लैक सोयल में हो जाएगा महाराष्ट्रियन महाराष्ट्र प्लेन, एंड रेड लुमी हो जाएगा आपका राड प्लेन, ठीक है, लोअर गंगा प्लेन में आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, स्पेशली आपका नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, ठीक है, राड प्लेन में। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है, 3, 4, 2, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज आर करेक्ट। तो यहाँ पर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज में इंटरनेशनल ट्रेड की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, हम लोग को देखना होगा। तो चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट यहाँ पर है, तो फटाफट देख लेते हैं। ए पे देखिए, द शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ डबल्ड नाउ इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ 1950। तो 1950 में जो था आपका शेयर इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, वो डबल हो चुका है, ये सही है। देन नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी इन ट्रेड स्टैंड्स हाईली डिस्करेज नाउ। दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, बी वाला हम लोग को इनकरेक्ट मिला है। यहाँ पर डिस्करेज कैसे हो गया, ठीक है, ये आपका प्रोटेक्शनिस्ट जो टेंडेंसी है वो अभी भी है जारी, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट देखिए सी, द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर इंक्रीज सब्सटेंशियली, ये भी सही है, ठीक है, शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज का शेयर जो है इंक्रीज हुआ है। देन डी देखिए, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स हैज़ ग्रोन शार्पली, ये भी सही है, ठीक है, हम लोग को मिला है ए सी एंड डी, ए सी डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री पे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर प्रोपोनेंट एंड फिलोसोफी ऑफ ज्योग्राफी दिया गया है, ठीक है, डिफरेंट जो पैराडाइम वगैरह होता है। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, अराउंड आपका 25 के करीब दोस्तों आपको पैराडाइम दे दूंगा, ठीक है, पैराडाइम ज्योग्राफी में जितना भी है आपको लिस्ट दे दूंगा, और इसका सपोर्टर और स्कॉलर्स इसके साथ जो एसोसिएट है वो भी लिस्ट दे दूंगा। उसका वीडियो कल शायद रिलीज हो जाएगा, ठीक है, पब्लिश हो जाएगा नेटसेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जो कि UGC नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो, ठीक है वीडियो। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट वन में आपका चार आपका ऑप्शन मिला है, चार यानी यहाँ पर ये है लिस्ट, तो देख लेते हैं क्या क्या है प्रोपोनेंट, चार प्रोपोनेंट। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए गिब्सन है, देन गुलके, देन पीट राइट एंड किक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गिब्सन का हो जाएगा रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म जो फिलोसॉफी है ये दिए हैं आपका गिब्सन जी ने, ठीक है। देन गुएल की ये जो है गुएल के ये हो जाएगा आपका आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म कौन सा हो गया गुएल के, एंड रीड रिचर्ड पीट का हो जाएगा रेडिकलिज्म, एंड राइट एंड किर्क ये हो जाएगा बिहेवियरिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर थ्री इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये 1, 2, 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला यानी थ्री, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस भी है, तो कुछ अप्रोचेस दिया गया है जैसे कि पॉजिटिविज्म जो कि अगस्त कॉम्ते जी ने दिए हैं, आइडियलिज्म हैरिस एंड गुलके, रियलिज्म गिब्सन न्यू, और क्रिटिकल रियलिज्म टीपी नॉन जी ने दिए हैं, देन फिनोमिनोलॉजी रेल्फ, रेडिकलिज्म रिचर्ड पीट, बिहेवियरिज्म किर्क एंड उल्फर्ट, और यहाँ पर वेलफेयर अप्रोच भी दिया गया है जो कि डेविड स्मिथ जी ने दिया है, कॉपी में आप लोगों को लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54। द सन एंड्रियन फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सन एंड्रियन जो फॉल्ट है दोस्तों ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ठीक है।
सो यहाँ पर दोस्तों देखिए डायग्राम में तीनों टाइप का यहाँ पर बाउंड्री दिया गया है, तो ट्रांसफॉर्म भी दिया गया है लास्ट में, ये वाला आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कह सकते हैं, ये आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री और ये रहा आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, यहाँ पर लिथोस्फेयर क्रिएट होगा, ठीक है ठीक है, और रीज इसमें टोपोग्राफी आ जाएगा, मिड ओशनिक रीज और रिफ्ट, ठीक है, इसमें हो जाएगा कन्वर्जेंट में। इसमें क्या होता है, जो भारी आपका प्लेट होता है वो हल्के प्लेट के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होता है, ठीक है, इसमें आपका प्लेट दोस्तों ओशियानिक जो लिथोस्फीयर होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, और इसमें ओशियानिक ट्रेंच क्रिएट होता है इसमें, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में, ठीक है, इसमें देखिए ट्रेंच क्रिएट होता है और इसमें कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा स्लाइड होके चला जाता है बाउंड्री, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें कोई भी टोपोग्राफी क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिथोस्फेयर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये कंजर्वेटिव आपका प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर तीनों डिस्कस कर लिए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन ऑफ हाईटेक फार्म्स इन सिलिकन वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज, ये इज होगा। तो देखिए कैलिफोर्निया में जो सिलिकन वैली है वहाँ पर हाईटेक फार्म्स यानी हाईटेक इंडस्ट्री, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका फैक्टर क्या है, कौन सा फैक्टर उसके पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, चीप लेबर, एक्सेस टू मार्केट, देन एग्लोमरेशन इकोनॉमी, देन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है, द फर्स्ट मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट वॉज, यहाँ पर वेदर सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है, कौन सा वेदर फर्स्ट वेदर यानी मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट था, तो ये हो जाएगा टायोस वन, ठीक है, जो कि आपका शुरू हुआ था 1960 में, ठीक है, लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सिंगुलरिटीज पर्टेनिंग टू री ऑकरेंस ऑफ एंटी साइक्लोनिक वेदर, यहाँ पर एंटी साइडोनिक हो चुका है लेकिन यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक होगा, ये एंटी साइक्लोनिक वेदर आर एसोसिएटेड विथ व्हिच एरिया ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर दोस्तों री ऑकरेंस होता है एंटी साइक्लोनिक वेदर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ब्रिटेन, ठीक है, एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ब्रिटेन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टडीज़, तो पॉपुलेशन स्टडीज़ रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, वही बेसिकली पूछा गया है। तो पाँच स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट देख लेते हैं, द नियो माल्थसियन थ्योरीज कॉन्टेंडेड दैट इन ह्यूमन पॉपुलेशन फर्टिलिटी बिहेवियर इज कंडीशनड बाय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू ह्यूमन जो पॉपुलेशन की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी बिहेवियर को कंडीशन यानी कंट्रोल किया जाता है, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। देन देखते हैं बी नंबर पे, थॉमस मल्थस वॉज एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट एंड डेमोग्राफर, ये भी सही है, तो दोनों सही मिला है। देन सी ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट पॉपुलेशन कोहोर्ट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यूनिफाइड बाय ए स्पेसिफिक कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, ये भी सही है। देन डी नंबर स्टेटमेंट देखिए, क्रूड बर्थ रेट रिफर्स टू बर्थ रेट्स माइनस डेथ रेट, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है दोस्तों, क्रूड बर्थ रेट होता है टोटल नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ रेट टोटल नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1000, ओके 1000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बोला गया है, ये सही नहीं है, ठीक है। लास्ट देखिए, पॉपुलेशन पिरामिड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिफाई नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दोस्तों ये भी लास्ट वाला जो ऑप्शंस मिला है ई वाला, ये भी सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट मिला है। पॉपुलेशन पिरामिड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिफाई नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा सही मिला, ए बी सी, ठीक है, फर्स्ट तीन ऑप्शंस मिला है करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थ्री में ए बी सी ओनली है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थ्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
इनकरेक्ट अबाउट एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शंस इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए, नीड्स लार्ज एग्रीकल्चरल फार्म्स, लो लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, हाई क्वालिफाइड मैनेजर्स एंड लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे करेंगे, ठीक है, जब करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए चार नंबर ऑप्शन में क्या बोला गया है, लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करेंगे और पेस्टिसाइड्स कम यूज करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, जब अगर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करेंगे तब, लेकिन यहाँ पर ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो 60 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो देख लेते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स एग्जामाइंड द रीजनल एंड ज्योग्राफिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी अर्लियर प्रोपाउंडेड बाय पीरक्स। तो पीरक्स की जो ग्रोथ पोल थ्योरी है, ठीक है, इसके पहले कौन सी दोस्तों स्कॉलर्स है इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोर्डोवेली। यहाँ पर इस स्पेलिंग इनकरेक्ट दिया गया है, बोर्डेली लिखा गया है, लेकिन यह बोर्डोवेली होगा। तो बोर्डोवेली ने ग्रोथ सेंटर कंसेप्ट दिया था, ग्रोथ सेंटर, ठीक है, याद रखिएगा ग्रोथ सेंटर। इसके बाद इन्होंने पीरक्स ने दोस्तों ग्रोथ पोल थ्योरी दिया था, यहाँ पर यह ग्रोथ पोल हो जाएगा, ग्रोथ पोल थ्योरी दिया था पीरक्स जी ने, और बोर्डोवेली ने दिया था ग्रोथ सेंटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आज के ये सेशन यहाँ पर ही दोस्तों एंड हो रहा है। आई होप ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और दोस्तों बहुत सारे मॉक टेस्ट और भी बहुत सारा चीज़ दोस्तों हम लोग वेबसाइट में अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को ज़रूर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके लिए दोस्तों मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर लिंक मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, जो भी न्यू अपडेट होता है। ठीक है, तो उसमें तुरंत आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।